राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के संस्थापक और पार्टी अध्यक्ष शरद पवार की मराठी भाषा में आत्मकथा लोक माझे सांगाती का 2 मई को विमोचन हुआ। इस अवसर पर शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला सुनाकर सभी को चौंका दिया। शरद पवार के पार्टी प्रमुख के पद से इस्तीफे के ऐलान ने राज्य की सियासत में हंगामा मचा दिया है। उनका इस्तीफा एनसीपी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। कयास शुरू हो गए हैं कि शरद पवार ने अगर अपना फैसला नहीं बदला तो एनसीपी का अगला बॉस कौन होगा। भारत की राजनीति के दिग्गजों का जब जब जिक्र होगा शरद पवार का नाम जरूर लिया जाएगा। पवार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक अपने सियासी दांवपेच से कई सरकारों की खेल बिगाड़ भी दिए और बना भी दिए। करीब 55 साल से अधिक समय से राजनीति में एक्टिव रहे शरद पवार कभी कोई चुनाव नहीं हारे। अपनी अलग पार्टी बनाने के बाद भी उनके पैर राजनीति के दंगल में जमे रहे। उन्होंने छात्र जीवन में ही राजनीति में प्रवेश कर लिया था। 1964 में वे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बने। पहली बार 1967 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए चुने गए और उन्होंने बारामती विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज की। 27 साल की उम्र में विधायक बनने वाले शरद पवार ने 1978 में दिखा दिया कि वे राजनीति में लंबी रेस के घोड़े हैं। दरअसल बात 1978 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की है। तब किसी भी दल को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला। तब जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस और इंदिरा कांग्रेस ने हाथ मिला लिया और सरकार बना ली। लेकिन इसके बाद इंदिरा से शरद पवार की अनबन हो गई और उन्होंने बड़ा सियासी दांव चलते हुए कांग्रेस के कुल 69 विधायकों में से 40 को तोड़ दिया। उनके इस कदम पर इंदिरा गांधी हैरान थी। उन्होंने इंदिरा गांधी से बगावत करके नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन की सरकार में शरद पवार को पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला। तब उनकी उम्र थी महज 38 साल। हालांकि 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद 1983 में पवार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने 1984 में लोकसभा चुनाव भी जीता। हालांकि इसके एक साल बाद ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया और महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता बन गए। पवार कांग्रेस से ज्यादा दिनों तक दूर नहीं रह सके। 1987 में वे वापस कांग्रेस में आए। इसके एक साल बाद 1988 में शंकर राव चौहान की जगह उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया और इसके बाद वे कई बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने के बाद सियासत में शरद पवार का कद ऊंचा हो गया था। वे कांग्रेस के एक दिग्गज नेता के तौर पर उभर चुके थे। कांग्रेस की कमान सोनिया गांधी के हाथों में दिए जाना उन्हें अखरने लगा था। उन्होंने इसका विरोध किया। 1999 में पार्टी की कमान एक विदेशी मूल की महिला को देने पर उन्होंने सवाल खड़े किए और कांग्रेस छोड़ दी। तब पवार ने तारिक अनवर और पी ए संगमा को लेकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया, लेकिन कांग्रेस से उनका नाता तब भी नहीं टूटा। उन्होंने हर बार कांग्रेस के यूपीए गठबंधन के साथ मिलकर काम किया। बाद में वो लंबे समय तक केंद्र में मंत्री भी रहे। इस दौरान भी शरद पवार की तूती दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की राजनीति में बोलती रही। हालांकि पवार ने 2014 और 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन राजनीति में वे हमेशा प्रासंगिक बने रहे हैं। बहरहाल शरद पवार के पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा देने के बाद उनके समर्थक उनका इस्तीफा वापस लेने और अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कह रहे हैं। समर्थकों और पार्टी नेताओं का कहना है कि पवार के बिना एनसीपी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती और पार्टी को चलाना मुश्किल है। देखना होगा कि पवार अपना फैसला बदलते हैं या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।